आचार्य जी, अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में सभी शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। अब माना जाता है कि शिव से पहले उनके गण नंदी की पूजा करनी चाहिए। नंदी से वास्तुशास्त्र का क्या संबंध है, और अगर नंदी की तस्वीर घर में लगाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और किस दिशा में लगाना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। अभी सावन का महीना जो चल रहा है, शंकर भगवान की विशेष पूजा का यह महीना माना जाता है और लोग श्रद्धा के साथ शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान की पूजा के साथ साथ जब शंकर भगवान की पूजा संपूर्ण मानी जाती है, जब उनके गणों की पूजा होती है, तो गण में सबसे प्रधान गण जो हैं गणपति, गणेश जी और नंदी जी का पूजा यदि आप नहीं करते हैं तो शंकर भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूजा के पहले नंदी भगवान का पूजा करना आवश्यक है। यदि आपको कोई समस्या है तो समस्या का हल भी नंदी भगवान ही करते हैं। आपके सारे समस्या का हल जो है वह नंदी आपका कर देंगे। तो नंदी की पूजा आवश्यक होती है। अब रही बात कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को आप घर में नहीं रख सकते हैं क्योंकि वह देवालय का चीज है। अब नंदी भगवान का फोटो जो है, वह आप एक नंदी भगवान का फोटो लें। यदि आपके घर में वास्तु दोष हो, आपके घर में क्लेश हो रहा हो, आपके घर में अशांति हो रहा हो, तो अशांति से बचने के लिए अपने घर में नंदी भगवान का फोटो आप अपने घर के पूरब तरफ, यदि आपका उत्तर दरवाजा से प्रवेश है तो आप अपने घर के प्रवेश से बाएं तरफ, यानी आपके घर में दाहिना तरफ पूरब दिशा में नंदी भगवान का फोटो सामने से बैठा हुआ लगा दें। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो आपके घर की वास्तु दोष सारा नंदी भगवान समाप्त कर देंगे। और कहीं आप घर से निकलते हैं तो आपको शुभ संकेत नंदी भगवान देंगे। नंदी भगवान का दर्शन करके यदि आप घर से निकलते हैं तो निश्चित रूप से आपका भलाई होगा, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकता है।